ई मन चंचल ई मन चोर ई मन शुद्ध ठगहार मन मन करते सुरनर मुनि जहड़े मन के लक्ष्य द्वार। यह मन चंचल है, चोर है और पूरा का पूरा ठग है, ठगने वाला है। मन को पकड़ो, मन को बस में करो, मन को शुद्ध निर्मल बनाओ और मन को जीतो। ऐसा कहते कहते सुर नर मुनि सब के सब मन द्वारा ठग लिए गए। मन चंचल है, ये किसी को बताने की आवश्यकता नहीं है। हर आदमी का अपना अनुभव, चंचलता क्या है मन की, जो नहीं सोचना चाहिए जिस समय वह सोचना, वर्तमान में न रहकर भूत भविष्य की कल्पनाओं में उलझे रहना, ये मन की चंचलता है। और मन जितना चंचल होगा उतना अशांत होगा, पीड़ित रहेगा। लेकिन प्रश्न यह है कि मन की चंचलता क्या गलत है? और मन चंचल क्यों होता है? पहले कहा गया कि मन चंचल इसलिए होता है कि हम उसे गलत चिंतन देते हैं, गलत खुराक देते हैं, गलत विषय देते हैं सोचने के लिए। गलत विषय ना दें, मन चंचल नहीं होगा। और मन की चंचलता गलत नहीं है, गलती हमारी है जो हम मन को सही दिशा नहीं देते और मन से सही काम नहीं लेते। मन एक साधन है, इंस्ट्रूमेंट्स है बस। अब साधन का कैसा उपयोग करना है ये तो व्यक्ति पर, हमारे पर निर्भर करता है। गलत उपयोग करेंगे तो वह साधन नुकसानदेह हो जाएगा, अच्छा उपयोग करेंगे तो लाभदायी हो जाएगा। कहा गया है मन एव मनुष्यानाम कारणम बंध मोक्षयो। मन मनुष्य के बंधन और मोक्ष का कारण है। प्रश्न हो सकता है कि वही मन बंधन का कारण और वही मन मोक्ष का कारण कैसे होगा? या तो बंधन का कारण होगा या मोक्ष का कारण होगा, ये कई कारण हो सकता है, दोनों कारण तो नहीं होगा। लेकिन वास्तविकता यह है मन बंधन का भी कारण है और मोक्ष का भी कारण है।
बंधन तो बनाता ही है मन, बिना मन की सहायता लिए मुक्ति का मोक्ष का काम किया नहीं जा सकता है। उपयोग कैसे करते हैं? यदि बराबर विकारी चिंतन में डूबा है मन तो बंधन का कारण बनेगा, विवेक चिंतन में आत्मचिंतन में डूबा है मन तो मोक्ष का कारण बनेगा। बिल्कुल सरल उदाहरण से समझ सकते हैं, जैसे चाबी और ताला, ताला को खोलने की चाबी भी वही होती है और बंद करने की चाबी भी वही होती है। एक ही चाबी से ताला बंद हो जाता है और उसी चाबी से ताला खुल जाता है। ताला को बंद करने की चाबी अलग नहीं होती और खोलने की चाबी अलग नहीं होती, एक ही चाबी होती है। चाबी को हम जब दाएं से बाएं घुमाते हैं तो ताला बंद हो जाता है, और उसी चाबी को हम बाएं से दाएं घुमाते हैं तो ताला खुल जाता है। बस मन ऐसा ही है, संसारी चिंतन में डूबा हुआ है तो बंधन बनाएगा मन, आत्मचिंतन में डूबा हुआ है तो मोक्ष बनाएगा। चिंतमात्मा आनंद रूप में यन मुक्ति कारणम, जो कहा गया आनंद रूप आत्मा का चिंतन करो जो मुक्ति का कारण होगा। मन साधन है किंतु गलत उपयोग करने से हमारा ही मन हमें ही भटका रहा है और हमारे लिए ही बंधन और दुख का कारण बन गया। सद्गुरु कबीर ने बीजक में और साखी कही है, बाजीगर का बांदरा ऐसा जीव मन के साथ नाना नाच नचाए के ले राखे अपने हाथ। जैसे बाजीगर कलंदर चने का लोभ देकर बंदर को पकड़ लेता है और घर घर नाच नचाता घूमता रहता, घुमाता है बंदर को। सद्गुरु कहते हैं ऐसे ही मन बाजीगर के समान बन गया है और हम ये जीव मन के आगे बंदर के समान बन गए हैं, और हमारा ही मन हमें बंदर के समान नचा रहा है। समझने की बात यह है, बाजीगर स्वतंत्र होता है, बाजीगर का स्वतंत्र अस्तित्व है, बंदर का भी स्वतंत्र अस्तित्व है और बाजीगर का भी स्वतंत्र अस्तित्व है, किंतु मन का स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है। मन एक आभ्यासिक वृत्ति है, जिन वस्तुओं को किसी को भी ले ले, जिसके बारे में हम आपने न पढ़ा है न सुना है और न हम जिसे देखे हैं, उसके बारे में हमारा कोई मन नहीं बना है। देखकर, सुनकर, पढ़कर, भोगकर मन बनता है, बिना देखे सुने भोगे बिना पढ़े मन नहीं बन सकता। असंख्य चीज़ें दुनिया में हैं जिनके बारे में हम जानते ही नहीं हैं, उनके लिए कौन सा मन है? जो लोग इस आश्रम ध्यान शिविर में पहली बार आए हैं, जब आप नहीं आए थे तो क्या इसके संबंध में कोई मन बना था कि ध्यान शिविर ऐसा होता है, वैसा होता है, ऐसी व्यवस्था होती है, ऐसा नियम होता है, कुछ मन बना था?
और जब आप आए, भाग लिए, देखे, सुने, इसमें रहे, अब एक मन बन गया आपका। जो जो हम देखते हैं इंद्रियों के द्वारा, आंख, नाक, कान, जीभ, त्वचा, ये जो पांच ज्ञानेन्द्रियां हमारी है, इंद्रिय जो कुछ भी ग्रहण करते हैं, उनके संस्कार अंतःकरण में अंकित होते चले जाते हैं और कालांतर में वही मन बन करके हमारे सामने उभर आता है। मन अपने आप में ऐसा कुछ है नहीं, लेकिन कुछ ना होते हुए भी बहुत कुछ है। वही तो सुख दुख का कारण बनता है। अब है कुछ नहीं अपने आप में। एक उदाहरण से समझे, मन कुछ ना होते हुए ही बहुत कुछ है। जैसे जमीन है, जमीन पर एक पेड़ उगा है, पेड़ खड़ा हुआ है, आकाश में सूरज चमक रहा है, सूरज का प्रकाश पड़ता है, सूरज प्रकाश पड़ने से पेड़ की छाया जमीन पर पड़ती है। वो छाया क्या है? छाया को आप तोड़ सकते हो, छाया को काट सकते हो, छाया को जला सकते हो, मार सकते हो। छाया, आप रास्ता चल रहे हैं गर्मी में, देखा आपने एक बड़ा पेड़ घनी छाया, उसके नीचे गए, बड़ा आराम मिला, बड़ा आराम मिला। अब सोचिए, छाया में मैं बैठा, गर्मी से परेशान हो रहा था, छाया में आ गया, बड़ा आराम मिला, बड़ी शीतलता मिली, ला थोड़ी छाया लेकर चले जाता हूँ यहाँ से, है संभव? तो छाया को आप न गला सकते हो, न तोप सकते हो, न काट सकते हो, कुछ नहीं है। छाया पेड़ है, जमीन है, सूरज है, इनके संयोग से छाया बन गई है। छाया कुछ न होते भी कितना आराम देती है, कितनी शीतलता देती है छाया। ऐसे ही मन कुछ नहीं है। हम हैं, हमारी इंद्रियां हैं और दुनिया के पदार्थ हैं। जब हमारी इंद्रियां पदार्थों में लगती हैं, उन्हें ग्रहण करती है, उनसे जो छाप बनती है वही छाया ही मन है। लेकिन उस छाया को काटना पीटना जितना कठिन है, उससे कठिन इस मन को जितना मन को शांत करना है। लेकिन सरल भी है, जितना मन को बस में करना कठिन है, उतना ही मन को बस में करना सरल है। समझ, विवेक, अभ्यास, इनकी सहायता से मन को हम बस में कर सकते हैं, जीत सकते हैं, शांत कर सकते हैं। निरंतर का अभ्यास चाहिए बस, और समझ। उसके साथ साथ सावधानी क्या होगी? जिस देखने सुनने खाने पीने से, जिस बात व्यवहार से मन चंचल होता है, उन पर संयम। जब तक इंद्रियों के विषयों पर संयम नहीं होगा, तब तक मन पर संयम करना असंभव होगा। मन से इंद्रियों को बल मिलता है और इंद्रियों से मन को बल मिलता है। यदि मन को बस में करना चाहते हैं, तो देखने पर, सुनने पर, खाने पर, सूंघने पर, छूने पर, बाद में व्यवहार में, हर पर ही संयम करना होगा। संयम का अर्थ होता है अनुचित का ग्रहण, उचित का जो अनुचित का त्याग और उचित का ग्रहण।
गलत कामना लेकर के सही काम लेना, ये संयम हो जाएगा। तो क्या जो जो आवश्यक है हम वही वही ग्रहण करते हैं? आवश्यक ग्रहण तो कम होता है, अनावश्यक ग्रहण ज्यादा होता है, इसलिए हमारा मन चंचल होता चला जाता है। यहां तो आप कहते हैं ये मन चंचल, मन चंचल है। प्रश्न है क्या मन की चंचलता गलत है? गलत नहीं है, हम काम लेना नहीं जानते इसलिए गलत है। और ये भी समझना होगा मन चंचल है इसलिए हम मनुष्य हैं, यदि मन चंचल ना होता तो हम जानवर होते हैं। जानवरों का मन चंचल नहीं है, इसलिए जानवर को चिंता नहीं है, पीड़ा नहीं है, कोई मानसिक तनाव और मानसिक दुख नहीं है। किंतु जानवर आगे नहीं बढ़ सकते, कोई विकास नहीं है जानवरों में। जैसे जानवरों के पास स्थूल मन है बहुत, वैसे स्थूल मन हमारे पास भी होता तो हम जितना आज विकास देख रहे हैं ये ना देख पाते, ये संभव ही नहीं होता, फिर हम भी जानवर होते। मनुष्य को मन के कारण से ही मनुष्य कहा जाता है, मननात् मनुष्यः कहा गया है। मनन जिस जो प्राणी मनन करता है, जिसके पास मन की शक्ति है, उसी को मनुष्य कहा जाता है। जिसमें मन का विकास नहीं है वो जानवर है, पशु। अब मन से काम क्या लेना है, कैसे काम लेना है, यह हमें निर्णय करना होगा। केवल उचित काम ले मन से, उचित खुराक दे मन को, उचित दिशा दे मन को और उचित काम ले मन को, फिर यही मन कल्याण का साधन बनेगा और जिसे आप कहते हैं मोक्ष धाम तक आपको पहुंचा देगा। गुरुजन उदाहरण देते हैं मन की चंचलता के विषय में। जैसे एक ताजी तुर्की घोड़ा हो, ताजी तुर्की घोड़े बड़े तेज घोड़े होते हैं, तो बड़ा तेज घोड़ा है, उस घोड़े को साधे बिना, आपने घुड़सवारी सीखी नहीं है, बिना घुड़सवारी सीखे और बिना उस घोड़े को साधे, बिना लगाम लगाए आप घोड़े पर बैठ गए तो क्या करेगा घोड़ा, उठाकर पटक देगा और हाथ पे टूट जाएंगे। घुड़सवारी करना है, वो जो तेज घोड़ा है उस पर आपको घुड़सवारी करना है तो पहले घुड़सवारी सीखना होगा, फिर उस घोड़े को साधना होगा, पुचकार करके, प्यार करके, अच्छी खुराक दे करके उस घोड़े को साधना होगा और फिर लगाम लगाना होगा। जब घोड़ा सध, आपने घुड़सवारी सीख ली और घोड़ा सध गया, फिर उस घोड़े पर घुड़सवारी करें, वो घोड़ा आपको अपनी मंजिल तक जल्दी पहुंचा देगा, तेजी से दौड़ता हुआ। उन्हें सिखाएंगे तो पटक देगा। मन ऐसा ही है, आप चाहते हैं मुझे घोड़ा को सिखाना ना पड़े और घोड़ा आपको ना मुझे पटके भी ना, तो आप घोड़े सवारी मत करिए, सवारी करिए गधे की, वो पटकेगा नहीं, आपको सिखाना नहीं पड़ेगा। लेकिन घोड़ा, लेकिन गधा कहाँ पहुँचाएगा आपको, बोझा ढोने काम करेगा बस।
आपको गधे की सवारी करना है या घोड़े की सवारी करना है? बस मन तेज घोड़ा है, हमने साधा नहीं इस मन को, साधने का प्रयास नहीं किया और सीधे उठ करके सीधे कूद करके मन पर बैठ जाते हैं तो मन हमें पटकता है बार बार। साधना होगा ना, और साधने का अर्थ क्या है? सही काम लेना, सही दिशा देना। बिना मन के कोई काम नहीं हो सकता। मन द्वारा ही मन को बस में करना होगा। ध्यान की जो साधना है, जहाँ कहा जाता है कि मन को बिल्कुल मौन कर दे, तो सहारा मन का ही लेना पड़ेगा। सदगुरु कबीर ने कहा है, कुंभई बांधा जल रहे जल बिन कुंभ न होए, ज्ञान ही बांधा मन रहे मन बिन ज्ञान न होए। कुंभ घड़ा, घड़े के बंधन में जल ठहरता है, लेकिन बिना जल के घड़ा नहीं बन सकता। घड़ा है मिट्टी का, अब उसमें पानी भरेंगे तो पानी उस पर टिक जाएगा, लेकिन बिना पानी के घड़ा कैसे बनेगा? जब आप मिट्टी में पानी मिलाओगे, मिट्टी मुलायम होगी, तभी तो घड़ा बनेगा। भले घड़े के बंधन में पानी है, लेकिन बिना पानी के घड़ा नहीं बन सकता। ऐसे ही ज्ञान के बंधन में मन रहता है, लेकिन मन के बिना ज्ञान नहीं होगा, मन के बिना कोई काम ही नहीं होगा। मैं बोल रहा हूं, बिना मन के कैसे बोलूंगा? कोई भी काम, छोटे से लेकर बड़े से बड़े काम तक सहारा मन का होता है। तो सही काम दे रहे मन को, सही दिशा दे, सेवा भक्ति विवेक विचार या अन्य और जो काम है वो काम दे। सुबह से शाम तक हम ऐसी बातें सोचते हैं, ऐसे देखते हैं, ऐसे खाते पीते हैं, बात व्यवहार करते हैं, जिससे मन और अधिक अधिक चंचल और विकारी बने, और शिकायत करते हैं ध्यान में भजन में बैठते हैं मन तो ठहरता नहीं है, तो बड़ा पापी है, चंचल है। मन पापी नहीं है, पापी हम बनाते हैं मन को। निश्चय हमारा गलत है। बाहर से जितना सुख की लालसा होगी, सुख पाने की, अधिकार की लालसा होगी, उतना मन चंचल होगा और विकारी होगा। बात मन की है, तो मन को हम सही खुराक दें, सही दिशा दें, सही काम। एक अभ्यास कर लें, जो सोचना है सही सोचना है, सकारात्मक सोचना है, दृढ़ निश्चय करें कि नकारात्मक कुछ भी नहीं सोचना है, केवल नकारात्मक चिंतन का त्याग कर दें, और साथ साथ विकारी चिंतन, नकारात्मक और विकारी चिंतन का त्याग वो मन से ही होगा। तो जितना जितना नकारात्मक और विकारी चिंतन का त्याग होता जाएगा, चंचलता उतनी दूर होती चली जाएगी और मन स्थिर होगा, और मन स्थिर होगा तो
सदगुरु कबीर कहते हैं, हो ये बिहिस्त जो चित्त न डोलावे, यदि तुम्हारा चित्त चंचल ना हो, मन चंचल ना हो, तो जहाँ बैठे हो वहीं पर स्वर्ग और मोक्ष दोनों का अनुभव हो सकता है। मन की चंचलता नरक, मन की स्थिरता, मन का शांत हो जाना स्वर्ग। मन की चंचलता बंधन का कारण और मन की चंचलता, मन की स्थिरता स्वर्ग का कारण, मोक्ष का कारण। मन की चंचलता दुख, मन की स्थिरता निर्मलता सुख। बस इतना ही फर्क है। और हम खुद ही आप देख ले कि सुबह से शाम तक जो मैं सोचता हूँ उसमें से सकारात्मकता का प्रतिशत ज़्यादा है या नकारात्मकता का प्रतिशत ज़्यादा है। विकारी चिंतन ज़्यादा करता हूँ या शुद्धता का निर्मलता का चिंतन ज़्यादा करता हूँ, उत्तर अपने आप मिल जाएगा। आदत हमने बना ली है गलत, और कहते हैं मन की चंचलता तो स्वाभाविक है, इसे रोका नहीं जा सकता, तो रुकेगा कैसे? ये सही काम लेना होगा। साहब कहते हैं ये मन चंचल, या मन चंचल है हमारी गलतियों से, हमारी असावधानी से, अभ्यास और वैराग्य, ये दो साधन। वैराग्य के लिए बार बार कहा जाता है अनाशक्ति निष्कामता वैराग्य है, और अभ्यास तो पुनरावृत्ति है। ये मन चोर, साहब कहते हैं यह मन केवल चंचल ही नहीं है, ये मन चोर है। जैसे चोर दूसरों के घरों में चुपके से घुसता है और उनके संचित धन को चुरा करके ले जाता है, ऐसे ही ये मन है। चुपके से धीरे धीरे बड़ी सावधानी के साथ हमारे शांति धन को, विवेक धन को, ज्ञान धन को चुरा लेता है। बैठे हैं कब मन चुपके से विकारी चिंतन में चला गया, पता नहीं चल पाता। ध्यान में बैठे हैं, सांस को देख रहे हैं या विचार को देख रहे हैं, सांस को देखते देखते मन कहाँ चला गया पता चलता है, क्योंकि सावधानी घट जाती है। मंदिर में बैठे हैं और लगता है अब मुख से मंत्र निकल रहे हैं, लेकिन मन का मंदिर से भाग करके कहाँ बाजार में घूम रहा है, लड़ाई करा, झगड़ा करा, पता चलता यही तो चोरी है मन का, मन की चुपके से निकलता है। पता नहीं चलता था। और मन को भागने के लिए, भटकने के लिए कोई प्रतिबंध नहीं है। मंदिर में बैठ करके, साधना स्थल में बैठ करके, गुरु के निकट बैठ करके मन भाग जाता है, इसके लिए कोई नियम नहीं है। दोपहर, सुबह, शाम, रात कोई नियम नहीं है। कभी भी ये भागता है, कभी भी कोई भी ये हमारे ध्यान धन को चुरा लेता है। और मन तो ऐसा है, शरीर की शक्ति की सीमा है, इंद्रियों से जो भोग होते हैं, भोग मतलब इंद्रियों से किसी को ग्रहण करना। आँख का भोग रूप है देखना,
कान का भोग है सुनना, जीवा का भोग है स्वाद ग्रहण करना। तो इंद्रों से हम जो जो भी ग्रहण करते हैं वो ग्रहण करना सब भोग है। आप खाने बैठे हो, कितना खाओगे? एक पाव, आधा किलो, एक किलो ज़्यादा ज़्यादा, लेकिन मन से आप क्विंटल का क्विंटल खा सकते हो। मन से आप दुनिया भर को पछाड़ सकते हो। और यही जो होता है इंद्रियों का विषय ग्रहण करना बंधन का उतना कारण नहीं होता है जितना मन से विषयों का ग्रहण करना बंधन का कारण बनता है। कितना भी वाक भोगोगे, शरीर तो शरीर की शक्ति तो सीमित होगी ही, थकेंगे आप, लेकिन मन से नहीं थक सकते। मन से कहाँ थकता है आदमी? तो ये मन चोर है, बराबर अंदर घुस घुस करके हमारे ज्ञान धन की चोरी करता रहता है। अशुद्ध ठगहार, पूरा का पूरा ठग है। जैसे ठग सोने का पानी चढ़ा करके पीतल को सोने के भाव बेच देता है, आदमी ठग के मीठी मीठी बातों में आ जाता है और मीठी मीठी बातों में आकर के सोने के भरोसे में पीतल खरीद लेता है। और जब जाता सुनार के पास कसाने के लिए, पता चलता है यार ये तो पीतल है, आदमी पछताता है। ऐसे ही मन है, ठगना बहुत जानता है। हम कहते हैं देखो भाई मैं दुनियादारी का काम नहीं करूँ, मैं तो धर्म का काम करूँगा, त्याग बैराग का काम करूँगा। मन कहता है मैं भी यही चाहता हूँ, धर्म का और त्याग बैराग का काम करना। और धर्म का काम करते करते कब अधर्म की ओर ले जाता है, त्याग की बात करते करते कब वासना की बात की तरफ ले जाता है, मन पता चलता है। यही तो ठगना है। जितना हमारा मन हमको ठगता है उतना दुनिया के लोग कहाँ ठगते हैं। हमारा मन जितना धोखा देता है दूसरे लोग धोखा कहाँ देते हैं। किंतु जब दूसरे लोग धोखा देते हैं तो हम उसे बैरी मान लेते हैं, दूसरे लोग ठगते हैं हम सावधान हो जाते हैं। कभी मन से सावधान हुए हैं? कोई परवाह ही नहीं है। आवश्यकता सावधानी की है। मन मन करते सुरनर मुनि जहड़े मन के लक्ष्य द्वार। साहब कहते हैं मन मन करते करते मन को शुद्ध करो, मन को निर्मल करो, मन को जीतो, मन को बस में करो, मन को संयमित रखो। ऐसा कहते कहते सुर देवता नर मनुष्य मुनि ये सब भी मन के चक्कर में पड़ गए। जिन्हें आप देवता कहते हो ना, वो तो आदमी से भी ज़्यादा उनका चरित्र गड़बड़ है। वैसे देवता कोई ऐसा नहीं, देवता भी हम मनुष्यों की एक श्रेणी ही है, अलग नहीं है। मनुष्य तो सामने ही है, मन के चक्कर में पड़ करके लोग कैसे कैसे काम कर रहे हैं। और देवताओं की स्थिति पुराणों को पढ़ो तो पता चलता है कि देवता आचरण स्तर से कितने गिरे हुए हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, अब पुराणों को पढ़ कर देखो। वाल्मीकि रामायण में आया है देवलोक स्थितिरियम देवानाम सरस्वती मता पतिरसरसाम नास्त न च किसी परिग्रह। देवलोक स्थितिरियम, देवलोक की यह दशा है। देवानाम सरस्वती मता और देवताओं का यह शाश्वत मत है कि अप्सरा का कोई पति नहीं होता और देवता किसी एक स्त्री से बंद करके नहीं रहते, सब खुलेआम। स्थिति क्या होगी?
तो जिन्हें आप देवता कहते हैं ना, जिन देवताओं की पूजा करके आप चाहते हो हमारा कल्याण हो जाए, वो देवता खुद आतरण से इतने गिरे हुए हैं, उतना तो आदमी नहीं गिरता। अब मैं ये नहीं कह रहा हूं, पुराण के लेखक कहते हैं शायद ही कोई देवता ऐसा हो जो चरित्रवान हो। ब्रह्मा अपनी पुत्री के साथ भ्रष्ट हो गए, शिव जी ने बृंदा के साथ छल किया, चंद्रमा ने गुरु पत्नी को भ्रष्ट किया, इंद्र ने अहिल्या को सही किया, और कितने नाम गिनाओगे आप? बड़े बड़े देवता जरूर कहते हैं, और आदमी तो हम देखे रहे हैं सामने, हम खुद ही हैं आदमी, कैसे मन के चक्कर में भटकते हैं। और मुनिजों को देखो, अनेक मुनि तपस्वी हैं, उनकी जो भी दुर्दशा है पुराणों में थे या नहीं, मैं ये नहीं कहता वो रहे होंगे, लेकिन पुराणों में जो कहानियाँ लिखी गई है उसमें तो इतनी दुर्दशा है सबकी कि हद है हद। लेकिन कोई बचा नहीं, ऐसे बात नहीं है, जो जो साधन हुए वे सब बच गए, जो जो असाधान हो गए वे बच गए। मनसायर मनसा लहरी बूढ़े बहुत अचेत, साहब कहते जो अचेत होते हैं वे डूबते हैं, और जो सचेत हो जाते हैं वे डूबने से बच जाते हैं। सचेत होने की आवश्यकता है, मन के लक्ष्य द्वार, साहब कहते हैं मन के भागने के लाखों दरवाजे हैं, किस एक दरवाजे से भागेगा मन कहा नहीं जा सकता, लाखों दरवाजे हैं। कोई एक दरवाजा होता तो पकड़ते आप, कोई एक रास्ता होता कि इसी रास्ते से भागेगा मन, मन तो किसी मन अधर्म के रास्ते से भागता है तो धर्म के रास्ते से भागने जाता है। धर्म के नाम पर देखो, जिन्हें आप धार्मिक कथा कहते हो, धर्म कहते हो, उसमें भी कितना कितना क्या क्या लिख डाला गया है, हद है। इतनी विषय वासना की बात, इतनी छल कपट लड़ाई झगड़ा हिंसा हत्या की बात, कुछ बाकी नहीं है धर्म के नाम पर। अधर्म के नाम पर तो सब होता ही होता है, धर्म के नाम पर भी हो रहा है। तो मन अधर्म के रास्ते से भागता, धर्म के रास्ते से भी भागता है, वासना के रास्ते तो भागता ही है, त्याग बरा के रास्ते से भी भागता है। साहब कहते हैं लाखों दरवाजे हैं मन को भागने के लिए, निरंतर सब तरफ से घेराबंदी की आवश्यकता है। मन के लक्ष्य द्वार, इसको ऐसा भी हम समझ सकते हैं, मन के भागने का रास्ता क्या है? लक्ष्य, स्मरण, चिंतन, याद। आपको चिंतन, स्मरण, याद सब एक ही बात है एक प्रकार से। यदि यह चाहते हैं कि हमारा मन न भागे, हमारा मन हमें परेशान न करे, तो अपने स्मरणों पर सावधानी, जागरूकता। जैसे कोई एक मकान हो और उस मकान में केवल एक ही दरवाजा हो, अनाव तरफ से कोई खिड़की जंगला दरवाजा और नहीं, केवल सामने ही एक ही दरवाजा है। चोर डाकू आ गए लूटने के लिए, घर के मालिक समझ गया कि दरवाजे पर चोर डाकू आए हैं, घर का मालिक मकान के अंदर दरवाजे के आड़ में एक तेज तलवार लेकर के बैठा हुआ है। जैसे ही कोई डाकू या चोर अंदर घुसता है, सिर से सिर घुसाता है, मालिक तलवार से उसके सिर को काट देता है। जितने चोर आए बस बैठ करके सिर को काटता गया, सारे डाकू मार डाले गए, चोरी नहीं हुई। समझ लो,
मन को भागने का एक ही दरवाजा है, चिंतन। उस चिंतन पर निगरानी, इतनी निगरानी कि कोई भी गलत चिंतन न होने पाए, मन की चंचलता समाप्त। फिर मन आपके बंधन का, दुख का, तनाव का कारण नहीं बनेगा। हम उसी पर तो निगरानी नहीं करते। हम मान लेते हैं कि हम तो बड़े समझदार हैं, ज्ञानी हैं, त्यागी हैं, बैरागी हैं, साधक हैं, अब पता नहीं क्या क्या। यही अहंकार हमें भटकाता है। कभी झांक कर देखने का काम करते हैं भीतर, फुर्सत ही नहीं है ना। दूसरे के दोषों को देखते देखते, दूसरों के बारे में सोचते सोचते अपने बारे में सोचना हम भूल गए हैं। उसका मन खराब। ठीक है, अपना मन कितना खराब है। उसका मन बड़ा चंचल है, बड़ा चंचल आदमी है। अपना मन कितना चंचल है देखते हैं। गुरुदेव जी अक्सर ये कहा करते थे अकेले बैठ जाओ कहीं पर, अपने घर में, अपने कमरे में बैठ जाओ, फाटक बंद करके अकेले मात्र आधा घंटा के लिए। कागज ले लो, कलम ले लो और आधे घंटे में जो जो विचार मन में आ जाए, जो भी अच्छे बुरे जो विचार आ जाए मन में, ईमानदारी के साथ उन विचारों के स्मरणों को कागज में लिख लें। तो जो लिखा है ना आधे घंटे में, उस कागज को किसी को दिखाने की हिम्मत नहीं होगी। आप अपने घर वालों को नहीं दिखा सकोगे, इतने गलत विचार आ जाएंगे। और दिखाने की बात तो दूर, आधे घंटे में जो जो विचार मन में है, जो आपने लिखा है, उस कागज को मोड़ कर कहीं रख दें सुरक्षित, और 10 दिन बाद उस कागज को निकाल कर देखें तो आपको विश्वास नहीं होगा कि ये मेरे मन के विचार हैं। इतना गंदा विचार मेरे भीतर होगा, आप स्वयं विश्वास नहीं करेंगे। इतने विचार चलते हैं। सद्गुरु कहते हैं मन के लक्ष्य द्वार, मन को भागने का दरवाजा केवल चिंतन है, स्मरण। जिसने अपने विचारों पर लगाम लगाया, विचारों पर संयम किया, उस आदमी ने अपने पूरे जीवन को संभाल लिया। जीवन क्या है? विचार। इसलिए संतों ने कहा है, हम वह नहीं है जो हम दिख रहे हैं बाहर, हम वह है जो हम सोच रहे हैं। जैसा हम सोचते हैं वैसा हमारा जीवन बनता है। तो निरंतर साधन, निरंतर जागरूकता, और मन को खाते पीते, काम धंधा करते, रास्ता चलते, बातचीत करते, हर समय मन पर निगरानी रखना, मन को देखते रहना, कोई भी गलत चिंतन, नकारात्मक या विकारी चिंतन मन में ना आने पाए, यही साधना है, सहज साधना। सहज साधना वह साधना जो हर समय, हर जगह, हर स्थिति में चल सके, वो सहज साधना। यहाँ बैठे हैं तो साधना इतनी ही सीमित नहीं है, खाते समय भी साधना, खा तो रहे हैं, मन क्या सोच रहा है। रास्ता चल रहे हैं, मन क्या सोच रहा है। बाथरूम में नहा रहे हैं, मन क्या सोच रहा है। या कुछ और काम कर रहे हैं, मन क्या सोच रहा है। बिस्तर पर लेट गए, मन क्या सोच रहा है। कहते हैं, बहुत लोग कहते हैं
साहब लेट तो जाते हैं बिस्तर पर, बत्ती बुझा देते हैं, जल्दी नींद नहीं आती क्योंकि बेकारी बातें सोच रहे हो। अच्छी बातें सोचो इतनी जल्दी नींद आ जाएगी, कुछ पता चलेगा। और कुछ भी ना सोचो, बस लेटो, सोचना बंद, तुरंत नींद आएगी। लेकिन वही उन्होंने ऐसा कहा, उन्होंने वैसा कहा, ये बिगड़ गया, वो बिगड़ गया, उन्होंने गाली दे दी, ये नुकसान हो गया, और विषय वासना की बात, तमाम बातें सोच रहे हो, कहाँ से नींद आएगी। बिस्तर पर लेटो, साधना वहाँ भी चलेगी। देखो मन को कि क्या सोच रहा है। हर समय मन पर निगरानी, हर सोच। कुछ भी गलत चिंतन मन में ना आने पाए, ये सहज साधना होती है। और ये सहज साधना कोई भी कर सकता है, और ये सबके लिए लाभदायी है, स्त्री पुरुष साधु गृहस्थ विद्यार्थी कर्मचारी जो भी, सबके लिए। जहाँ है निगरानी मन पर, साधना कठिन नहीं है। साधना करने के लिए घर छोड़ना जरूरी नहीं है। जहां है, जिस हाल में है, उस हाल में साधना, और साधना यही है। एक मन बस में हुआ ना, अब बस में, अब मन को बस में करने का अर्थ क्या हुआ। जब हम यहां बैठते हैं अभ्यास के लिए, तो कहा जाता भी कि मन से, मन को शांत कर दो, मन को मौन करो, ये तो थोड़े समय के लिए है। और यहाँ भी मन उसी का शांत होगा जो यहाँ आने के पहले मन पर निगरानी करता रहा होगा, मन को साधने का काम करता रहा होगा। और मैंने कहा कि मन को साधने का अर्थ यही है, जो सोचे अच्छा सोचे, और ऐसा सोचे है बहुत कठिन। और जो बात मैं कहने जा रहा हूँ, इस बात में मैं भी फेल हो जाऊँगा, फेल हूँ वैसे, वो क्या है, जो सोचें, कोई पूछे क्या सोच रहे हो, ईमानदारी से बता दें। ये दशा जब आएगी ना, तभी कल्याण होगा। कहीं भी हम रास्ता चल रहे हैं, बैठे हैं, कुछ कर रहे हैं, इसमें आप क्या सोच रहे हैं, ईमानदारी से बता दिया भाई मैं ये सोच रहा हूँ। गलत सोचोगे बता पाएंगे, कौन बताएगा, जिसका मन कभी गलत सोचता ही नहीं है। और जिसका मन गलत नहीं सोचता वही तो साधु है, ये कपड़ा साधु नहीं है, ये तो वेश है। जिसका मन गलत नहीं सोचता वही संत है, वही ज्ञानी है। और जिसका मन कभी गलत सोचता ही नहीं है वो जीते जी मुक्त है। इसी दशा में हमें पहुंचना है, भले लगता है बहुत कठिन, लेकिन जिन लोगों ने ऐसी बातें कही है वो जी करके कही है ना, ऐसी बातें उन्होंने अपने को साध लिया। हम उनकी बातें पढ़ते तो हैं लेकिन साधने का काम नहीं करते। तो मन के लक्ष्य द्वार सदगुरु कहते हैं, मन को भागने का एक ही दरवाजा स्मरण, विचार, चिंतन, इसको ठीक कर लिया गया तो मन का भागना बंद। ई मन चंचल, ई मन चोर, ई मन सुद ठगहार, मन मन करते सुरनर मुनि जर, मन के लक्ष्य द्वार साहब कहते मन चंचल है, मन चोर है, ठग है, और इसके भागने के राखों दरवाजे हैं। किंतु जो सतत साधारण रहता है, निरंतर जागरूक, वह व्यक्ति अपने मन को वश में करके, इसी मन से काम लेकर के अपना कल्याण का काम कर लेता है। किसी को हिम्मत हारने का आवश्यकता, मन के हारे हार है मन की जीती जीत कहा गया। हारना नहीं है, हारना भी मन से
और जितना भी मन से, लेकिन जितने का संकल्प हो। पहले से कह लिया हम तो साधारण आदमी हैं, हम तो गृहस्थ आदमी हैं, हमारे मन में इतना ये है, हमारा मन कैसे शांत हो गया। पहले से हथियार डाल दिए, कहाँ से शांत होंगे, कहाँ से अब कहाँ से जीत होगी। मैं कर सकता हूँ, आई कैन डू, मैं कर सकता हूँ, ये भाव जब मन में हो गया ना, तब हार नहीं होगी, फिर तो पूरी की पूरी जीत हो जाएगी और हमारा जीवन सफल हो जाएगा। 5 मिनट के लिए बत्ती बंद कर दिया जाए।